नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे जो न्यूज है, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि हायरिंग ऑफ इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर्स की पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और इसको मैं ऑफिशियल भी दिखा देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आपका यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये बाकी पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो। ठीक है, तो इसके बारे में सारी चीजें मैं बता देती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये नोटिफिकेशंस में अदर्स में जाके आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशन दिए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हायरिंग ऑफ इंजीनियर सिविल विंग्स ऑफ नेक्स्ट फॉर EMRS प्रोजेक्ट, और ये 21 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है और 11 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन है। तो इसकी PDF बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये बेसिकली जो EMRS स्कूल्स हैं, आपको पता है EMRS स्कूल पे काफी इस बार जो बजट आया था वो भी शुरुआत से लेके अब तक बहुत अच्छी मात्रा में बजट देखने को मिला है। इस पे काम भी हो रहा है। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे बहुत सारे नए EMRS स्कूल का इनॉग्रेशन भी हुआ है। उसमें भी मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कैसे चीजें की गई हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि जल्दी आपकी वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, जो आपकी टीचिंग की, नॉन टीचिंग की या अदर जो वैकेंसी आती है। पिछले साल से आपका हुआ था सारा सिस्टम। ठीक है, और क्योंकि टीचर्स जब स्कूल नए नए खुल रहे हैं, वैसे भी टीचर्स की भर्ती होने वाली है, 30,000 कुछ टीचर्स चाहिए अभी EMRS में। ठीक, तो आपको जल्दी वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे ये जो पोस्ट निकली हुई है इंजीनियर्स की, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सिविल, और ये सिविल विंग के लिए निकली हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी पोजीशन है लीड कंसल्टेंट इंजीनियर, और यहाँ पे पोस्ट एक है जिसमें बीटेक या आपकी सिविल इंजीनियर में होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक, यहाँ पे मिनिमम 15 ईयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब आपने कहीं पे काम किया हो। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे, एनी इंडिविजुअल रिटायर्ड फ्रॉम द रैंक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, अगर कोई रिटायर्ड रैंक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और लेवल 11 पे काम किया है, ठीक है, 7th पे स्केल रहा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो आपकी सैलरी की अगर बात की जाएगी, टू बी कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग द पेंशन फ्रॉम द बेसिक पे फ्रॉम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसके साथ ही यहाँ पे है फॉर पर्सन रिटायरमेंट NPS, इनका ये सब चीज यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस जो है मैटर करेगा आपका। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, एलिजिबिलिटी को। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो आपकी है कि आपका ये बीटेक सिविल इंजीनियर में होना चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस मांगा गया है क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। और अगर एज की अगर लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 62 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 62 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। इसके बाद दूसरी पोस्ट है यहाँ पे एसोसिएट कंसल्टेंट इंजीनियर, इसकी एक पोस्ट है। इसमें भी बीटेक या भी डिप्लोमा हो आपका सिविल इंजीनियरिंग में। इसके बाद इस पोस्ट के लिए भी इन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपने काम किया हो। ठीक है, और इसके साथ ही सेम एक्सपीरियंस यहाँ भी है, एनी इंडिविजुअल रिटायर्ड फ्रॉम रैंक ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर और लेवल 8 पर काम किया हो, या फिर इंडिविजुअल रिटायर्ड फ्रॉम जूनियर इंजीनियर इक्विवेलेंट पोस्ट इन लेवल 7 और ब्लो पे मैट्रिक्स 7 CPC। ठीक है, अपर एज इसकी भी 62 भी मांगी गई है। ठीक, तो ये दो पोस्ट निकली हुई है, तो आपकी लीड कंसल्टेंट इंजीनियर की है, ठीक, और दूसरी जो है एसोसिएट
कंसल्ट इंजीनियरिंग। तो कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मांगे कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा इज सील्ड कवर सुपर स्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज लीड कंसल्टेंट इंजीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट इंजीनियर शुड रीच द ऑफिस लेटेस्ट, मतलब 11 नवंबर तक आपका ये पहुंच जाना चाहिए। ये एड्रेस दिया गया है, ठीक है, स्पीड पोस्ट किया जाएगा और ये कॉन्टेक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने पोस्ट के काम भी दिए हैं कि क्या क्या काम आपको करने हैं। टेक्निकल असिस्टेंट टू ऑफिसर साइड ऑफ सिविल डिवीजन जो है, इसके बाद कंडक्ट साइड विजिट इंस्पेक्शन ऑफ एमआरएस प्रोजेक्ट, इसके बाद है इंश्योर कॉम्प्लीट विद ऑल एक्सटर्नल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे जो भी अप्लाई करेगा सारी चीजें यहाँ पे आपको पता भी होगी, ठीक है। इसके बाद ये क्योंकि कॉन्टेक्ट बेस पे वैकेंसी निकली हुई है, परमानेंट पोस्ट नहीं है आपके, ठीक है। यहाँ पे पीरियड ऑफ 1 ईयर बीच में भी एक्सटेंडेड या आपको बीच में टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये सारी चीज सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा प्योरली ऑन कॉन्टेक्ट बेसिस। एप्लीकेशन रिसीव इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि जो कैंडिडेट के पास अगर 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास डिग्री है, तो देखो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस वैसे नहीं लग रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि उनको अगर उतना एक्सपीरियंस का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो आपको वो ले भी सकते हैं। बेसिकली आपका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो सैलरी की बात की गई है। फिक्स्ड मंथली अमाउंट सैलरी एडमिनिस्ट्रेबल अराइव बाय डिडक्टिंग द बेसिक पेंशन फॉर्म द, मतलब बेसिक जो पेंशन फॉर्म द रिटायरमेंट है वो डिडक्ट की करके 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे स्केल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिडक्टेड फ्रॉम द लास्ट पे एंड रिजल्टेंट अमाउंट सैलरी फिक्स्ड मंथली अमाउंट एज द रिम्यूनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको नो DAHR रेजिडेंशियल अकोमोडेशन सैलरी एट लीस्ट रिवेबल, मतलब आपको रहने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी क्योंकि ये कॉन्टेंट बेस्ड है इसलिए, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको सही से समझ में आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद छुट्टी वगैरह का भी यहाँ पे दिया गया किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और सिर्फ ऑफिस टाइम यहाँ पे दिया गया है कि 9 AM to 6 PM रहेगा, ठीक। वो कांटेक्ट पे काम करवाएंगे तो बेसिकली आपका पूरा रहेगा। इसके बाद ड्यूरिंग वर्किंग डे इंक्लूडिंग हाफ एन आवर लंच ब्रेक इन बिटवीन, ठीक है, लंच ब्रेक मिलेगा आपको इसके बीच में। इसके बाद अगर बात करें तो ये आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर दें। बाकी यहाँ पे ये एप्लीकेशन परफॉर्मा भी दिया गया है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटोग्राफ आपके लिए पोस्ट अप्लाई करना है, ये पूरा फॉर्म भरना है आपको, यहाँ पर क्या क्या चीजें मांगी है वो सारी चीजें, पैन कार्ड, बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस जिनका है वो ही अप्लाई करें, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने काफी चीजें डिटेल में मांगी हुई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सारी फिल करनी होगी आपको, ठीक है। ये एजुकेशन तो आपकी फिलफिल हो जाएगी, इसके लिए 15 ईयर का एक्सपीरियंस, इसके बाद रिटायर्ड टू लेवल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। जो कैंडिडेट भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो जरूर फॉर्म भर दें यहाँ पे, ठीक, अपने सिग्नेचर वगैरह से, और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहेंगे नए टूल से। इसके अलावा आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। धन्यवाद।